हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल पीयूष क्रिएशंस। और बहुत दिनों बाद चैनल पे ब्लॉग आ रही है। और यहाँ पे मेरा सड़ा हुआ भाई काम करते हुए अब सुबह से आज हमारी लड़ाई हो गई है क्योंकि बता दो रीज़न मेरे मेरे कपड़े चुरा के बैठा था। ये लोग कैसे काम कर रहा है, हमारे घर का काम कर रहा है इंसान। हटाओ यार ये ब्लॉग मैं कैमरा कॉन्शियस हूं यार वैसे बकवास करने में तेरा वो नहीं होता कैमरा कॉन्शियस। और ये देखो, ये घर का ना सारा काम करता है, जो इससे जो मुझे करना चाहिए सारे काम ये कर। और पापा मम्मी भी बाहर है, मम्मी नहा रही है। ये क्या है, किसको फैमिली के सामने आज पहली बार ब्लॉगिंग हो रही है तो मेरी बेइज्जती सी हो रही है। और घर वालों के लिए भी नई चीज़ है, उनको ये तो पता है ब्लॉगिंग होती है लेकिन कभी उनके साथ नहीं करी। और अभी थोड़ी देर पहले सो के उठाऊँ तो अभी बालों में ऑयलिंग वगैरह भी कर रखी है, तो अभी नहाऊँगा फिर अपनी हालत ठीक करूँगा। अभी सारे लग रहे हैं, मम्मी नहा रही हैं, संगम सामान सेट कर रहा है, पापा बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग क्योंकि देखते हैं फर्स्ट टाइम है फैमिली के साथ तो जो रहता है। कितना अच्छा भाई है मेरा। भाई नहाना धोना हो चुका है और यहाँ चल रहा है हमारा मैच। वहाँ बना रही मम्मी खाना और इधर हम बैठ के देख रहे हैं, यही चलते रहता है। मम्मी एकदम लगी पड़ी है, मेरे को कोई काम नहीं करने दे रही। पापा उधर फोन में बात कर रहे हैं, भाई बाथरूम में बैठ लगा पड़ा हुआ। अम्मी क्या क्या बन रहा है और दाल रोटी सब्जी चावल और खीर और ठीक है। ये हमारे यहाँ वो रहता है ना, दिवाली में रहता है ना ये कि मतलब चने की दाल हमेशा ही बनती है, उससे क्या होता है शुभ होती है चने की दाल, इसलिए बनाई जाती है। होती शुभ है चने की दाल लेकिन वो अलग बात है कि वो डाइजेस्ट नहीं होती है हमारे पूरे परिवार को डाइजेस्ट नहीं होती है। चने की दाल सबसे शुद्ध होती है। अभी चने की दाल बना रहे थे, आलू बनाने में अब शिमला मिर्ची बन रही है। दिखाना नहीं है, व्लॉग बन रही है तभी हम पता है सबको कि आप सिर्फ नहा कर आए हो और किचन में आ गए हो। मैंने बोला कि मैं हेल्प करा दूँ तो मम्मी करने ही नहीं दे रही है, मेरे को हेल्प कह रही है कि नहीं मैं ही करूँगी, आज मैं ही सारी बल्लभों से क्या कहते तारीफ बटोरूंगी है मम्मी। मम्मी इतनी कॉन्शियस हो रही है कि मुझे मत लो करनी है ठीक है। और पापा पीछे से बैठ के एक्शन कर रहे थे। और अभी यहाँ पे मेरे बेटे घुर करते हुए कॉपीराइट आ जाएगा। चलो आगे क्या दिखाएं, ये दूसरा रूम है ठीक है, ये मम्मी पापा का रूम है ठीक है। और इधर डालनी और वो है दूसरा। और ये रहा मैं, ये लोअर टी शर्ट ही पहन रखी है, अभी कुछ अभी है नहीं, रात में होऊंगा तैयार। उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम में। ये है दूसरा रूम जहाँ पे हमने कर रखा है मंदिर सेट। ये वार्डरो वैसे ये बेसिकली भाई यूज़ कर रहा है, इसमें इसका स्टडी रूम वगैरह ये सारी चीज़ है। इधर पे इसका छोटा सा बेड, इधर पे एक और अलमीरा। और आज के दिन हमारे यहाँ खाने में प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है क्योंकि भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है। ये चीज़ मुझे आज पता चली है, मुझे हर बार लगता था कि हम प्याज लहसुन खाते हैं। मेरी मम्मी के ना अलग अलग रूल्स बन जाते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती हैं। जैसे जैसे मम्मी की एज बढ़ती जा रही है वैसे मम्मी का दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज चलने लग रहा है ना मम्मी। बोला मम्मी इतनी कॉन्शियस रहती है ना, मम्मी को यहाँ तक आ जाता है कि मैं इसको सुनाऊँ। फिर मम्मी देखते हैं कितना कैमरा ओपन है तो नहीं बोल सकती कुछ। बच्चा ने मम्मी पता है इतनी बड़ी हिटलर थी ना, इतना मारा है ना मेरे को मम्मी ने, मार मार के बड़ा किया। अरे सुधरे हुए हैं, बात तो सही है, मारा नहीं होता तो सुधरे हुए नहीं होते। पापा की संगत में होते तो बहुत बिगड़े हुए होते है ना मम्मी। चलो वही थोड़ी बार ऐसे तो मम्मी काम करने देंगी नहीं, तो ज़बरदस्ती जाके उनका हाथ बटाना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो अभी मैं बाद में ब्लॉग शूट करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ बाबा हेल्प कराने। टाटा। अभी भी मैच चल रहा है, मम्मी अभी भी किचन में ही लगी पड़ी हुई हैं। 4:30 हो गए चुके हैं। मम्मी का फेवरेट घर किचन ही है, वो अपना करती हैं। चौका पड़ चुका है और हम लोग अभी मम्मी को कैसे घूर के देख रही हैं। देखो मम्मी, फिर देखो। हाँ मम्मी नहीं देख रही, मेरी बेइज्जती कर चुकी है। तो अभी हम लोग तैयार होंगे थोड़ी देर में, क्योंकि 5:30 बजे का मुहूर्त है। पापा भी सामान लेने के लिए गए हैं, सन्ना भी लेटा है और पूजा वूजा करके। पटाखे हम फोड़ते नहीं है, क्योंकि जब से हम छोटे से जब से होश आया है तब से फिर पटाखे फोड़ने हमने बंद कर दिया, क्योंकि एनिमल्स को काफ़ी इशू होता है। मैं इन सब चीज़ों से नहीं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब कहने की बातें होती है। पोल्यूशन वैसे ही बहुत है, तो हम जो गाड़ी वगैरह चला रहे हो, मतलब पेट्रोल फ्यूल वगैरह जा रहा है, उससे भी पोल्यूशन ही हो रहा है। तो पोल्यूशन छोड़ो, लेकिन जो उससे सिटीजन्स को, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको इतना, साथ में जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन सबको कितनी प्रॉब्लम होती है, वो रीज़न है। ठीक है, नहीं करना चाहिए, इको फ्रेंडली रहना चाहिए। सिर्फ इको फ्रेंडली तो छोड़ो, इको फ्रेंडली गलत वर्ड बोल दिया, एनिमल फ्रेंडली होना चाहिए। एक कटोरी होगी, उसमें वो डाल लो, चावल ले लो। पहले मम्मी अपने हिसाब में रंगोली बनाती थी, अभी मतलब पहले बहुत वैसे उसे डिज़ाइन बना के, फिर मम्मी ने वो बनाया। ये तो हमारे यहाँ बनता ही है, ये तो बहुत शुभ होता है। और इसको ये बिना बने तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या मतलब होता है इसका हमें? हाँ, चौक होती है, हर पूजा में ज़रूरी होता है, हर पूजा में ये ज़रूरी होती है। और जब बाकी रंगोलियाँ बनेंगी वो थोड़ी बाहर बनेंगी, शायद रूम के बाहर या घर के बाहर। और उसमें पहले मम्मी खुद से बनाती थी, पता नहीं मोर वोर, पता नहीं क्या क्या क्या। फिर अभी मम्मी ने कुछ औजार लेकर आई हैं, उस औजार से बनाती हैं मम्मी, छन्नी टाइप से। ये है मम्मी का औजार। तो ये कपड़े पहनने जा रहा हूँ मैं दिवाली के लिए। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा मुझे इसमें पहने हुए। और मम्मी तैयार हो चुकी हैं, हो रही हैं। मम्मी मैंने कुछ नहीं करा, आप खुद ही आए हो। तैयार हो गया? हाँ, मम्मी तैयार होने वाली है, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। उसके बाद फिर डिंग टिंग। देखो मम्मी और मैम ट्विनिंग कर रहे हैं आज, है ना मम्मी? मैंने कहा आप और मैम ट्विनिंग कर रहे हैं, ब्लैक ब्लैक, दोनों ब्लैक ब्लैक पहनेंगे। चलो हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊँ, वरना मुझे अब गाली पड़ने वाली है बहुत गंदे वाली। गाइस हो गया मैं फाइनली रेडी। पीछे प्रेस रखी है, इग्नोर करना। कपड़े भी रखे हैं, वो भी इग्नोर करना। गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ी आए, हरी हरी चूड़ी आए, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया, बैया पकड़ हरली रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। निशा 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 रे बाबा मंगरे सा दबा मंगरे सा परी हरी चूड़ी आए, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, पैया पकड़ हरली रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। निशा 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 रे बाबा मंगरे सा दबा मंगरे सा पानी नहीं पासा सा पानी नहीं पासा। हाँ भाई, को जिताओ देश बचाओ। अरे वोट वाली लाइन क्या बोल रहे थे आप? भैया हमको जिताओ, देश बचाओ। और पापा और कहीं लेनी है फोटो आपकी? ले लो। पूरे घर में घूम घूम के। पापा इधर नहीं आएगी अच्छी, इधर आने दो, लाइट बहुत कम होगा। थक गए क्या? फोटो, इनको फोटो पे चस्का खत्म हो रहा है आज। भाई लोग बहुत शोर हो रहा है, व्लॉगिंग का करने का कोई मतलब नहीं है। मम्मी अभी वहाँ पे रामायण पढ़ रही हैं, पापा बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए जा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता आपको शूट हो पाएगा। जो भी था सुबह से शाम तक, अगर कुछ हुआ तो मैं शूट कर लूँगा, नहीं हुआ तो कोई बात, खाएंगे पिएंगे, रात में बैठ के मस्ती मारेंगे, बातें शातें करेंगे, बस। क्योंकि कल से मेरा ऑफिस है, तो जितना था आज ही मौज काटनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, हम लोगों ने चेंज कर लिया, खाना वाना खा लिया। उसके बाद एक हमारे यहाँ बचपन से ऐसा होता है कि मम्मी हम लोग की काजल लगा देती है, जो दिया जलता है ना उससे काजल लगता है, और यहाँ पे चंदा मम्मा ही बना देती हैं, तो हर साल का यही है। और कान में तेल डालते हैं और पूरी बॉडी में हल्का हल्का तेल लगाया जाता है, तो वो भी हो चुका है। अब हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि कल मेरी शिफ्ट है, फिर से 7 बजे उठ रहा है। तो यही तक की ब्लॉग थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर मम्मी सही से बैठी होंगी तो फिर मम्मी बोलो बाय, मम्मी बाय बोलो, बाय। ये क्या होता है? बाय। सही से बाय बोलो, बाय सही से, बाय। ये आपके यहाँ क्या लग रहा है? अब मम्मी ने बहुत मेहनत करी है। अच्छा। मम्मी कह रही है अच्छा। मम्मी आज आप कौन से मूड पे हो? चलो गुड नाइट, टाटा, टेक केयर।